लेकिन क्या लिली आप और लोग ने पाबलो कोशिश को की उड़ा नहीं दीजिए। उड़ाने उड़ाने की? कोशिश किया लेकिन वे उड़ नहीं रहे हैं लोग। खाना वाना दिया है कुछ नहीं, ना खा रहे हैं लोग ना उड़ रहे हैं लोग, बस ऐसे ही चिल्ला रहे हैं लोग। नेचर के कैसे थे जीतेन जी, कैसा व्यवहार? सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। घर में थोड़ा बहुत मान लो वो सब रहता है, लेकिन सब कुछ ठीक था जी। ये डैडी ऐसा बोला, ये डैडी वो कहा बिट्टू बिट्टू कहा डैडी डैडी मेरे प्यारे डैडी मेरे प्यारे डैडी एकदम खैचन आए हो कुछ भी जगह। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ में नीतीश गुप्ता और इस समय हम गोरखपुर के शाहपुर के घोसी पुरवा मोहल्ले में खड़े हैं। आज गोरखपुर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक 45 वर्ष के जितेंद्र श्रीवास्तव ने अपने दो बेटियों के साथ सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, अपने आप को बेटियों के साथ फंदे पे लटक गए। और ये देखिए, यही जितेंद्र श्रीवास्तव का घर है और बताया जा रहा है कारण कि आर्थिक तंगे के कारण जो है परिवार ने सुसाइड कर लिया। ये देखिए घर है जिसपे अभी कुछ ही दिन पहले लग रहा है ऐसा बना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसपे देखिए साफ लिखा है कि लाभार्थी का नाम जितेंद्र और पिता का नाम ओम प्रकाश, और 19-20 में यानी 2 साल पहले ही इस मकान को बनाया गया है। और ये देखिए ये मकान है, फिलहाल यहाँ पे ताला बंद है। और इसी घर में हम आपको बता दें कि आज सुबह जो है 3 लाशें मिली हैं, तीनों लोगों ने सुसाइड कर लिया। और जो सुसाइड का कारण है वो यहाँ पे आर्थिक तंगी बताया जा रहा है। थोड़ा सा क्लोज करके अगर आप अंदर की तस्वीरें देखें तो देखिए तस्वीरें अब जो है घर की एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। और बताया जा रहा है कि परिवार बहुत ही हसमुख था, कुछ साल पहले यहाँ पे ये लोग आए थे और पिता जो जितेंद्र श्रीवास्तव थे जिन्होंने अपनी बेटी के साथ सुसाइड किया, वो जो है यहाँ पे सिलाई का काम करते थे। और वो देखिए इसी इसी पंखे से लटके थे। ये देखिए यहाँ पे जो है पिता यहाँ पे लटके थे और दो बेटी जो थी वो अंदर कमरे में, ठीक है। तो ये देखिए आपको अगर पंखा नजर आ रहा होगा तो इसी पंखे से जो है जितेंद्र श्रीवास्तव ने अपने आप को फंदे पे लटका लिया। और वहीं अंदर एक कमरा है जिसमें जो है दो बेटियां जो मात्र 14 और 16 साल की थी, उन्होंने भी अपने आप को फंदे पे लटका लिया। कारण बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण तीनों लोगों ने सुसाइड कर लिया। सुबह यहाँ पे प्रशासन के लोग आए थे जो पिता हैं इनके, जब यहाँ पे रात में यहाँ के अगर पड़ोसियों की माने तो उन्होंने रात में खाना खाया, आराम से अच्छे से बातचीत किया, लेकिन जब सुबह दरवाजा नहीं खुला तो जब पिता जो इनके गार्ड की नौकरी करते हैं जब वो यहाँ पे आए तो देखें जब दरवाजा नहीं खुल रहा है तो उसके बाद मोहल्ले वासियों को उन्होंने सूचित किया, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस आई। और फिर यहाँ पे तमाम जब तस्वीरें सामने आई तो उसके बाद ये जो मोहल्ले में है सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये देखिए यही घर है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ मोहल्ले वासियों से बातचीत करें। और सबसे पहले और सबसे अलग बात ये है कि यहाँ पे जो जितेंद्र श्रीवास्तव थे उन्होंने 2 तोते पाल रखे थे। ये देखिए 2 तोते हैं और इनका नाम रख रखा था उन्होंने, इनका नाम क्या रख रखा था पता है क्या, इनका नाम क्या था दोनों तोतों का? लीली और पाब्लो। पाब्लो और लीली, 2 तोते आप देखिए यहाँ पे हैं। और ये दोनों था कि पाब्लो और लीली को उड़ा दीजिएगा। अच्छा, कल उन्होंने एक लेटर मिला जो सुसाइड लेटर, सर आए थे ना इंचार्ज सर आए थे तो वही देखे थे मशीन पे, एक लेटर मिला बस उसमें इतना ही लिखा था कि लीली और पाब्लो को उड़ा दीजिएगा। अच्छा, उस लेटर में लिखा था लीली और पाब्लो को उड़ा दीजिएगा, तो ये लेकिन उड़ नहीं रहे हैं। उड़ नहीं रहे हैं, खाना वाना कुछ नहीं खा रहे हैं। ये पक्षी हैं और ये उन्होंने पाल रखा था जितेंद्र श्रीवास्तव ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं कि आप ये भी दुखी हैं। पाब्लो और लिली 2 तोते उन्होंने पाल रखे थे। और ये बता रहे हैं मोहल्ले वासी कि जो सुसाइड लेटर उनका मिला है यहाँ पे जिसमें ये लिखा गया था कि पाब्लो और लिली को आप उड़ा दीजिएगा, आजाद कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल ये दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने दुखी हैं। और दोनों ही यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिए कि एकदम गुमसुम से पड़े हैं, ना खाना खा रहे हैं और ना पानी पी रहे हैं। इसी के साथ ये देखिए ये आवास उनका दिख रहा है। हम कुछ पड़ोसियों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहीं रहते हैं भाई साहब? नहीं, ये बगल में। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, हम यहीं रहते हैं। कौन सा मकान है आपका? हमारा ये बगल वाला, मतलब बगल वाला मकान है। अच्छा, जितेंद्र श्रीवास्तव को आप लोग सालों से जान रहे होंगे, सिलाई का काम करते हैं। आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है ट्रेन हादसे में पैर जरा कट गया। अच्छा, बहुत पहले पैर कट गया, पैसे ही काम चलता था उनका, चल चला। अच्छा, बताया जा रहा आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो हम लोग को जानकारी में नहीं है सर, इसलिए हम लोग खुशहाली देखते थे। और उनको नेचर के कैसे? नेचर के बहुत अच्छे थे, लड़कियां भी अच्छी थी, इनके अबे पापा भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे थे। घर नेचर की कोई बात नहीं थी, बहुत अच्छे थे। बच्चियां दोनों 14 और 16 साल। जी जी हाँ जी जी, पढ़ाई करती थी। वो नेचर से कैसी थी? वो भी लोग अच्छी थी, लोग दोनों बहन जहाँ भी जाती थी साथ में, चाहे पढ़ाई हुआ चाहे बाजार हुआ चाहे कोई भी, साथ में एकदम वो एकदम समझिए कि सक्षम
पिता रत्न। अच्छा कल क्या आप लोगों की कुछ बातचीत हुई थी जितेंद्र जी से? नहीं कल तो कोई बात नहीं हुई, उसे नमस्ते सलाम दुआ तो आदमी आना जाना रहता, हमेशा मुलाकात होती रहती थी, नेचर के अच्छे थे, हंसमुख। पैसे की कभी कोई ऐसा लगा आप लोगों को, कभी बातचीत की, कभी उन्होंने कुछ, कभी अपना दुखा नहीं? आज तक सर, आज तक ऐसी बात हम लोग नहीं सुने। बच्चियाँ भी अच्छे स्कूल, बढ़िया अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, सेंट्रल एकेडमी में जी पढ़ाई करती थी। कभी उनके बातचीत से ये नहीं लगा कि वो उन्हें आर्थिक नहीं, कोई ऐसा उनके दिक्कत नहीं दिखा गया, ना कोई दरवाजे पे पैसा। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला? आप लोग तो सो के उठे हुए, जब हम अपने ड्यूटी जा रहे थे साइकिल निकाले तो इनके पापा तब तक इधर से ड्यूटी से आए, वो बुलाए अपने बच्चों को, नई आवाज आई, वो गए तो शायद बड़े वाले को ही देखे। अच्छा जितेंद्र जी के पिताजी, हाँ वो सिक्योरिटी गार्ड है, ड्यूटी से आए बुलाए तो पहले इसी रूम में गए, बच्चे वाले बच्चे को देखे, अब वो बच्चे को देख के चिल्ला के निकल गया बाहर। अच्छा गेट खुला था जब वो तस्वीरें उनके सामने आई तो डर गए? जी गेट खुला था, ये गेट बंद था, इसको खोले, अंदर जब गए तो इसमें रहते थे वो, उसमें गए देखे तो पंखे पर लटके हुए थे, तो बेचारे यहीं से कूद के चले हैं, यहाँ गिर गए, यहीं गिर गए। हम लोग उधर से ड्यूटी से जा रहे थे, गिरे हुए तो तोड़ते आए तो कहें देखो असलम क्या हुआ, अंदर अंदर गए तो देखें ये भैया लटके हुए थे, बेटी तो रूम में लटकी हुई है, एक ही पंखे के नीचे दोनों लोग। अच्छा कल रात की अगर घटना की बात करें तो लोग बता रहे हैं कि आराम से खाना, लोगों खाना पीना लिट्टी मीट बना था वो भी ले गए, लंच लेके गए, पापा भी। ग्यारह बजे आप मोबाइल पे ये देखिए पूरा हुआ, 11 बजे के बाद कहानी माहौल है आदमी। हाँ मतलब कल रात में लिट्टी मीट इन्होंने खाया, उनके पिताजी पैक करके ड्यूटी ले गए। हाँ। लेकिन आज सुबह की तस्वीर आई है, कभी कुछ ऐसा नहीं लगा जितेंद्र जी को देख के कि यार हम लोग को नहीं सर। तो देखिए यहाँ पे मोहल्ले वाले हैं और सभी भौचक हैं, और ये देखिए जो दो तोते उन्होंने पाल रखा था उनकी फिलहाल तस्वीरें देखिए, ये लीली और पोपलो नाम बता रहे हैं यहाँ पे मोहल्ले के लोग जो हैं, वो बता रहे हैं कि ये लोग भी काफी दुखी हैं। और इसी के साथ खाना जो इन लोगों के लिए और पानी रखा गया है वो भी सुबह से ये लोग नहीं खा रहे हैं। और जो सुसाइड नोट यहाँ पे बरामद हुआ है घर के अंदर से, उसमें साफ ये लिखा गया है कि इन दोनों तोतों को जो है आप लोग आजाद कर दीजिएगा, हम यहाँ पे जो इनके पड़ोसी हैं जो इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए फिलहाल ताला खुल रहा है और यही जितेंद्र श्रीवास्तव का घर है, और इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे मौजूद है और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे फिलहाल ताला खोला गया है। तीनों शव को यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अभी जो है जांच वो जारी है। ये घर की आप तस्वीरें अगर दिखाना चाहें तो ये देखिए, ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं, और इसी घर के अंदर जब जो है सुबह जो है तस्वीरें जो सामने आई थी उससे उसने सभी को जो है आश्चर्यचकित कर दिया। और यही घर है और ये देखिए सिलाई मशीन जो आपको नजर आ रहा होगा, जितेंद्र श्रीवास्तव जो है वो जो सिलाई का काम करते थे वो यही करते थे, और इसी कमरे में से सटे जो कमरा है जो फैन टंगा है उसी पे उन्होंने आत्महत्या किया। और इसी के साथ जो दो बेटियां अंदर कमरे में थी उनका भी यहाँ पे शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने दोनों बेटियों को जो है सुसाइड जो दोनों बेटियों ने पहले सुसाइड किया, उसके बाद जितेंद्र श्रीवास्तव ने अपने आप को फंदे से लटका लिया। ये देखिए ये घर है और हम कोशिश करेंगे कि जो उनके घर के बगल में रहते हैं हम उनसे बातचीत करें। आप इसी घर के बगल में रहती हैं? मेरा ही भसुर थे बड़े। अच्छा, आपके भसुर थे, अच्छा, बड़े भैया थे। अच्छा जरा इधर 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 आ जाती जरा, तो बता देती कि क्या हुआ था घटना, यहाँ पे थोड़ा साइड आ जाइए, यहाँ इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? निशा श्रीवास्तव। निशा श्रीवास्तव जी, आपके भैया थे जितेंद्र श्रीवास्तव जी, क्या हुआ था कल कुछ मतलब ऐसा कुछ घटना घटी या फिर? नहीं हुआ था सर, कुछ नहीं ऐसा हुआ था, कोई कुछ जान भी नहीं रहा था कुछ ऐसा, अगर आवाज भी थोड़ा सा कुछ आया होता तो सब लोग खुद दौड़ के गए होते हम लोग। कभी कुछ उन्होंने अपनी समस्या को साझा किया हो आपसे? नहीं, परेशानी तो देखिए बहुत पहले भी आया था परेशानी, क्योंकि जब हॉस्पिटल में भर्ती थी इनकी वाइफ कैंसर हुआ था, लेकिन कर्जा लेते थे, लेकिन बहुत ज्यादा कर्जा भर भी चुके थे, उनके ऊपर कर्जा था बहुत ज्यादा, नहीं भर भी चुके थे, एक दो लोग का था तो कोई दरवाजा पे चढ़कर कर्जा मांगने अभी तक नहीं आया था, बस फोन से बात होता था कि हाँ हम दे देंगे इतना टाइम दे दूंगे, अब वो अपने हिसाब से जो भी बात कर, घर पे कोई नहीं आया था। आप लोगों से उन्होंने कभी कोई अपनी समस्या को साझा किया था? नहीं, हम लोग से नहीं हुआ उतना, अभी तो घर में मतलब तीनों लोग कचहरी में कुछ काम था तो तीनों बाप बेटा सब लोग गए थे। अच्छा, बच्चियां जो दोनों थी अभी 14 और 16 साल की, क्या नाम था उनका? मान्या मानवी। वो कैसी थी बच्चियाँ? वो बहुत अच्छी थी लोग, हर चीज करने में बहुत, पढ़ाई में बहुत तेज थी लोग, पढ़ाई में तो बहुत ज्यादा तेज थी।
सुबह आप लोगों को कैसे पता चला कि क्या क्या? पापा गार्ड का ड्यूटी करते हैं ना, तो पापा आए तो गेट खोले, जिस ताला नहीं बंद था, तो ये जब गेट खोले ना तब चिल्लाने लगे रिया रिया, तो हम उठ कर कह रहे हैं देखिए कौन पापा काहे चिल्ला रहे हैं, तो जब चिल्ला रहे हैं तब हम लोग ताला वाला खोल कर आए तो देखे तो सब लोग लटके हुए थे। अच्छा ये किधर इधर भैया लटके हुए थे और दो दुपट्टा में, एक पंखे में दो दुपट्टा में अलग अलग दोनों बहन लोग लटकी हुई थी। अच्छा ये जो दोनों उन्होंने पाल रखे थे तोता, ये कहाँ रहते थे? इसी घर के अंदर? इसी घर के अंदर रहते थे, अंदर वाले रूम है ना उसी के अंदर दोनों बहन लोग सोती थी और ये भी सोते थे। कितने सालों से यहीं रहते? एक आठ साल से हैं, एक डेढ़ साल से हैं। क्या क्या नाम इनका आपने बताया था अभी? लीली और पाब्लो। लीली और पाब्लो। तो अब ये जो आप अभी बता रही थी कुछ देर पहले कि जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था उसमें लिखा गया था कि इन्हें आजाद कर देना। हाँ इनको उड़ा देना, लेकिन लीली और पाब्लो को उड़ा दीजिए। उड़ाने की कोशिश किया लेकिन वे उड़ नहीं रहे हैं, लोग खाना उन्हें दिया है कुछ नहीं, न खा रहे हैं लोग न उड़ रहे हैं लोग, बस ऐसे ही चिल्ला रहे हैं लोग। नेचर के कैसे थे जीतेन जी, कैसा व्यवहार? सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, घर में थोड़ा बहुत मान लो वो सब रहता है लेकिन सब कुछ ठीक था। ये डैडी ऐसा बोला, ये डैडी कहाँ बिट्टू बिट्टू कहाँ डैडी डैडी मेरे प्यारे डैडी मेरे प्यारे डैडी एकदम खैते ना है कुछ भी देता ना। हाँ अरे तनिको जो चाहवा पिए चल जा तब फोटो है मोबाइल में। अच्छा तो ये फिलहाल हम आपको तस्वीरें जो है गोरखपुर के शाहपुर के घोसीपुरवा मोहल्ले की दिखा रहे थे, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जितेंद्र श्रीवास्तव के घर की तस्वीर है। बहुत आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो वैसे मजबूत नहीं थे, और कहीं ना कहीं देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका आवास बना था, और कल जो है इन्होंने जो मोहल्लेवासी बता रहे हैं कि कल इन्होंने रात में मीट और लिट्टी खाया। जो इनके पिताजी थे जो गार्ड की नौकरी करते थे वो फिलहाल मीट और लिट्टी जो है वो अपने टिफिन में ले गए थे, लेकिन जब वो सुबह घर पे आए तो तस्वीर जब वो उन्होंने देखा तो दिल जला देने वाली थी, और इसी के साथ मोहल्ले वाले भी काफी आश्चर्यचकित थे। ये देखिए फिलहाल मोहल्ले की तस्वीरें हैं, एकदम शांति छाई हुई है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जितेंद्र श्रीवास्तव जो काफी हसमुख थे, उनकी बेटियां जो पढ़ने में काफी तेज थी, आखिर उन्होंने इस घटना को अंजाम कैसे दिया। फिलहाल तीनों जो शव हैं उसको पुलिस ने जो अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। अब देखना होगा कि जो सुसाइड की बात सामने आ रही है वो सुसाइड है या फिर कुछ और, बाकी जांच के बाद पता चल जाएगा। हम आपको तस्वीरें गोरखपुर के शाहपुर के घोसीपुरवा मोहल्ले की दिखा रहे थे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव।